राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे न्यू ब्लॉग में। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक नए प्राचीन मंदिर में। हम जा रहे हैं और हमारी दीदी जा रही है। ये हमसे छोटी वाली ननद है मेरी और उनके साथ ही बच्चे के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और मंदिर में जाने से पहले चप्पल जूता निकालेंगे, उसके बाद हाथ पैर हैंडपंप में धुलेंगे। और कहते हैं ये प्राचीन मंदिर बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंदिर में एक ये बात है कि यहाँ 7 राजाओं का धन गड़ा हुआ है, उसी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। और इतना शक्तिशाली मंदिर है कि पूछो ही ना, बहुत ही मनमोहक मंदिर है। यहाँ चल रही थी, हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, यहाँ चल रही थी पूजा। ये देखिए यहाँ पूजा चल रही है। हम लोग अभी शाम के टाइम आए हैं, सुबह तो पूजा अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन हम लोग सुबह नहीं आ पाए थे, सुबह दूसरे मंदिर गए थे, अभी शाम को आए हैं। देखिए दीदी मेरी बैठी हुई है, हम पूजा कर लिए थे। पूजा करने के बाद हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया और ये सब पूजा। कुछ लोग, बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए थे, कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये है गौरी मैया जो मैंने भी पूजा की, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। दीदी से मैंने बोला थोड़ा सा मेरा ब्लाउज बना लो, तो उन्होंने इतना जुम जुम करके बनाया कि पूछो ना। ये है नंदी महाराज, जो इनके कान में मन से बोलो तो जरूर पूरा करते हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे जो मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। ये मंदिर का बाहर का ग्राउंड है, छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं, पेड़ भी लगे हुए हैं। बहुत ही मनमोहक मंदिर है ये, एक बार चले जाओ तो घर आने का मन नहीं करता, मन करता है भगवान बस बसा ही लो अपने चरणों में। ये मंदिर का मैंने थोड़ा सा वीडियो पीछे से बनाया, आगे से बना नहीं सकते थे क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग आगे भी बैठे हुए थे, पीछे से मैंने थोड़ा सा बनाया। लेकिन बहुत अच्छा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये मेरे घर के बच्चे टहले आए थे पूजा करने, लेकिन पूजा में इन लोगों का मन ही नहीं लगता है, बस धूम मचा रहे हैं, दौड़ दौड़ के इधर उधर खेल रहे हैं। जब ये लोग खेलने लगे तो हम लोगों ने सोचा लाओ थोड़ा सा, मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा वीडियो बना ले, और दीदी ने सोचा कि लाओ थोड़ा मैं फोटोशूट कर लूँ अपनी। वो अभी आगे आपको हम दिखाएंगे, दीदी भी मेरी फोटोशूट कर रही है, लगी पड़ी है। बहुत मनमोहक मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने का, और जो भी श्रद्धा से मांगो वो सब भगवान जी पूरा करते हैं। हम लोग को अक्सर आया करते हैं, वैसे महाशिवरात्रि थी आज इसलिए आए हैं, और उसके बाद सावन के सोमवार हो गए जैसे, उसमें भी आते हैं। ये देखो जो वहाँ रुद्राक्ष की पूजा चल रही थी अंदर मंदिर के अंदर जो पूजा चल रही थी, घी के घर के बच्चे हैं दोनों बैठे थे, धूम मचा रहे हैं। और फिर हमारे घर के बच्चे कहाँ पीछे हटने वाले। आप लोगों मेरा वीडियो ज़रूर देखिए पूरा, और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा मेरे ब्लॉग में। ये देखिए मेरी दीदी बना रहे हैं वीडियो थोड़ा सा।